लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही तमाम एग्जिट पोल एनडीए के पक्ष में है, वहीं महागठबंधन के विपक्ष में एग्जिट पोल बताया जा रहा है। बीती रात एनडीए की मीटिंग हुई, जिस पर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। एनडीए के सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता मान लिया है। वहीं सुबह पटना पहुंचे बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद और गिरिराज सिंह से खास बात की बिहार तक के संवाददाता ने। हार का बहाना है, जब वो जीते तो ईवीएम ठीक है, चाहे छत्तीसगढ़, राजस्थान या मध्य प्रदेश, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में या ममता जी वहां पर, और हम जीते। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुनवाई के बाद साफ कहा कि 5-5 सैंपल वीवीपैट मिलान होगा हर विधानसभा में। चौथे चरण तक खामोश रहते हैं, पांचवें चरण से खुराफात करते हैं जब मालूम है कि उनकी हार होने वाली है। इसलिए वो अपनी हार का बहाना ढूंढ रहे हैं, वो ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना चाहते हैं। ये सभी लोग की निर्णायक हार होने वाली है। इस वक्त हमारे साथ हैं गिरिराज सिंह जी। सर ये बताइए, बेगूसराय में से जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसके मुताबिक आप जीत रहे हैं, आपको क्या आश्वस्त है अपनी जीत के लिए? बेगूसराय की जनता की जीत है जो मोदी के प्रति, गरीबों की जीत है जो मोदी के प्रति रुख दिखाया है, वही एग्जिट पोल बता रहा है। कल आ जाएगा तो जनता को ढेर सारी बधाइयाँ। एक जो आपके सामने जो एक कैंडिडेट थे कन्हैया कुमार, उनको लेकर बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आए, कैंपेनिंग हुई उनके लिए, सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग हुई, उन्होंने काफ़ी बयान भी दिया आपके खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ, मैं कहूँगा तो आप नहीं दिखाएंगे। आप ही का चैनल इतना बड़ा शो कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि जमीनी हकीकत से दूर क्यों थे? मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए, और जो मीडिया मोदी के खिलाफ थे वो बेगूसराय में जा कर के गिरिराज का खिलाफत कर रहे थे। मोदी के खिलाफत से नहीं होगा, मोदी जनता के साथ है, जनता मोदी के साथ है। उनको लगता है कि मीडिया ही एमपी बनाता है, मीडिया ही मुख्यमंत्री बनाता है, वो जमाना लद गया। ईवीएम को लेकर विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा उठाया हुआ है, अब विपक्ष का कहना है कि ईवीएम में जो है कहीं ना कहीं उलटफेर हो रही है, क्या कहना चाहिए? जीत गए तो बड़ा अच्छा, हार गए तो ईवीएम का दोष, मीठा मीठा घट घट, अतीता तीता थू थू। ये थे गिरिराज सिंह जी, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, ईवीएम को लेकर भी उनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसको अपनी हार सामने नजर आ रही है और इसकी वजह से अब वो ईवीएम का बहाना बना रहे हैं। बता दें कि महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा खुलेआम धमकी देते हुए उन्होंने कहा था कि अगर लोकसभा चुनाव परिणाम में कुछ इधर उधर करने की कोशिश की गई तो सड़कों पर खून बहा देंगे। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। मनीष पांडे, बिहार तक।